तो देखिए फ्रेंड्स, अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो डिप्सो है। डिप्सो मीन्स क्या होता है? एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एल्कोहलिक ड्रिंक्स नहीं, जो एल्कोहलिक जो पेय पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिप्सो बोलते हैं। तो देखिए डिप्सो हमारा रूट वर्ड है, इससे कौन कौन से वर्ड बनते हैं वो देखते हैं। देखिए डिप्सो प्लस मेनिया, डिप्सोमेनिया, ठीक है। डिप्सो प्लस फोबिया, डिप्सोफोबिया। अब पहले वर्ड की बात कर लेते हैं, डिप्सोमेनिया। देखिए डिप्सोमेनिया मीन्स क्या होता है? डिप्सो मीन्स हो गया एल्कोहलिक ड्रिंक्स, मेनिया मीन्स जिनकी लत लग जाए उस चीज की, यानी बहुत ज्यादा उसकी लत लग जाए, जो छुटना मुश्किल हो, वो कैसा होता है? मेनिया होता है। उसको बोले डिप्सोमेनिया, यानी जिसको बहुत ज्यादा एल्कोहलिक ड्रिंक्स की लत लग गई हो, यानी जो एल्कोहलिक ड्रिंक यानी शराब वगैरह को जो पिए बिना नहीं रह सकता, उसको डेली शराब चाहिए, ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाती है? लालसा हो जाती है। क्रेविंग मीन्स होता है लालसा, लालित हो जाना। तो इन अनकंट्रोलेबल, यानी इन अनकंट्रोलेबल यानी उसके नियंत्रण से सब कुछ बाहर हो जाता है, इस तरह की उसको लालसा लग जाती है कि उसको ड्रिंक सही ही चाहिए, एल्कोहलिक ड्रिंक सही ही चाहिए उसको, फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी शराब की लत। हम हिंदी में इसको बोलेंगे शराब की लत, शराब की लत। यानी जिस व्यक्ति को शराब की लत लग जाती है ना, वो व्यक्ति कैसा होता है? डिप्सोमेनिया होता है। अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो डिप्सोफोबिया, यानी डिप्सो से बनने वाला रूट वर्ड, डिप्सो से बनने वाला जो वर्ड है वो डिप्सोफोबिया। देखिए फोबिया मीन्स क्या होता है? फोबिया मीन्स होता है फियर, डर या भय, ठीक है। डिप्सो मीन्स होता है एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी जिसको शराब वगैरह से डर लगता हो, भय लगता हो, वो व्यक्ति कैसा होगा? डिप्सोफोबिया होगा, यानी फियर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी शराब से भय, शराब से भय। जिस व्यक्ति को शराब से भय लगता है वो व्यक्ति कैसा होगा? डिप्सोफोबिया होगा। अगला जो हमारा रूट वर्ड है वो गेमी है, ठीक है। देखिए गेमी मीन्स क्या होता है? शादी होता है। गेमी मीन्स शादी, या फिर क्या बोलेंगे इसको? मैरिज, ठीक है। तो गेमी मीन्स क्या होता है? मैरिज होता है या फिर शादी होता है। तो इससे बनने वाला जो हमारा पहला वर्ड है वो मोनोगेमी है। मोनो मीन्स होता है सिंगल, गेमी यानी शादी, जिससे एक शादी होती है वो व्यक्ति कैसा होता है? मोनोगेमी, यानी प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन लाइफ पार्टनर, यानी एक विवाह की प्रथा, एक विवाह की प्रथा, एक विवाह की प्रथा को हम क्या बोलेंगे? मोनोगेमी, ठीक है। दूसरा जो हमारा वर्ड है वो बाईगेमी है। बाईगेमी मीन्स प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर, यानी दो विवाह की प्रथा, दो विवाह की प्रथा, यानी जिस समाज में दो विवाह की प्रथा हो उसको क्या बोलेंगे? बाईगेमी, ठीक है। बाई यानी दो, गेमी यानी शादी। मिजोगेमिस्ट, मिजो मीन्स क्या होता है? जो हेट करे किसी चीज से, मिजो मीन्स घृणा करना, नफरत करना, यानी मिजोगेमिस्ट मीन्स क्या होगा? वन हू हेट मैरिज, जो शादी से नफरत करे, यानी शादी से नफरत करने वाला, शादी से नफरत करने वाला, ठीक है। फिलोगेमिस्ट मीन्स क्या होता है? वन हू लव मैरिज, जो शादी से प्रेम करे, ठीक है। फिलो मीन्स प्रेमी होता है, फिलो मीन्स प्रेम करना, गेमिस्ट यानी शादी, जो शादी से प्रेम करे वो कैसा होगा? फिलोगेमिस्ट। एक्जोगेमी मीन्स क्या होता है? मैरिज आउट ऑफ ए स्पेसिफिक ग्रुप, यानी अपने गोत्र से बाहर जाकर शादी करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? मिजोगेमी बोलेंगे, ऐसे शादी को क्या बोलेंगे? एक्जोगेमी बोलेंगे, सॉरी, ठीक है। यानी मैरिज आउट ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप, अपने गोत्र से बाहर शादी करने को हम क्या बोलेंगे? एक्जोगेमी, ठीक है। तो ये वर्ड हमने कुछ देखे हैं रूट वर्ड से।